आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, हमें प्रश्न में दिया गया है कि एक स्कूल में विद्यार्थियों से 2304 रुपए फीस के लिए गए। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे दिए जितने विद्यार्थियों की संख्या थी, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? देखिए, हमने मान लिया कि हमारे पास जो विद्यार्थी थे, तो विद्यार्थी की संख्या वो कितनी थी? हमारे पास एक्स। तब उन्होंने कितने पैसे दिए? एक्स लोगों ने कितने पैसे दिए? एक्स पैसे। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर। और कितने रुपए आए थे हमारे पास? 2304। तो ये कितना है हमारे पास? रुपए। इसे पैसे में बदलने के लिए क्या कर दिया हमने? 100 से गुना कर दिया। तो एक्स स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा? 2304 गुना में कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 48 गुना 10 की घात कितना हो जाएगा? 2। तो x बराबर में कितना हो जाएगा? 48 गुना 10। तो x बराबर में कितना हो जाएगा? 480। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी हमारे पास? 480। यदि हम विकल्प की बात करें तो हमारा तीसरा विकल्प ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।